मतलब अगर बैटरी चेक करेंगे तो 60 वोल्ट की है, और ये चेक करेंगे तो इसमें जो 63 निकल रहा था अब ये चार्जिंग लगने के बाद पैसा चल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चार्जर ओके है, सिर्फ सॉकेट खराब था। इसमें सॉकेट खराब होने के कारण क्या, वो लूज था, इस कारण से वो जो जिनके चार्जर है वो समझ में नहीं पाया या फिर वो सोचे अंदर से खराबी है। अब ये क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें बिना बैटरी के अंदर के सारे सर्किट चालू हो जाता है, सिर्फ रिले ऑन नहीं होगा। जो इसका रिले है वो रिले जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे ऑन नहीं होगा। लेकिन 35-25 ऐसी प्रोग्रामिंग ऐसी मॉस्फेट ये सभी चालू हो जाते हैं, ठीक है, एसी लगाते ही। ये तो कन्फर्म आप मान के चलिएगा कि मुझे बिना बैटरी लगाते ही आउटपुट रिले पे आ जाएगा। अगर कभी ठीक करते तो ऐसे चेक करते। मैं संजय लाल शाह, आपको संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। और आज मैं ये चार्जर लिथियम चार्जर रिपेयर करूंगा। ये चार्जर ये कितने वोल्ट का है, ये उसका बॉडी है इस चार्जर की, आपने देखे एग्जूम टाइप का चार्जर है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग से बोर्ड लगा दिया और ये प्रोग्रामिंग चेंज है ना, सेम टू सेम एग्जूम नहीं है, लेकिन देखने में एग्जूम का ही लग रहा है। और काम करने का तरीका 50% एग्जूम टाइप में है और थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया, जैसे ये सर्किट ऑन होगा पहले तब ऑन होगा, ऐसा अलग कर दिया। तो हम इसे देखेंगे, रिपेयर करेंगे। अभी 60 वोल्ट 15 एम्पियर और 30 एच का बैटरी है, उसको चार्ज कर रहा है ना। इनपुट है 300 वोल्ट, बैटरी नहीं जोड़ते नहीं आता, इसमें आया या नहीं आया देखते हैं। तो एक नंबर कौन सा है, एक नंबर ये है, ये एक नंबर में वोल्टेज आ गया, और उसके बाद ये 9, 10, 11, 12, 13 में 7.8 वोल्ट है ना। अच्छा दो में देख लेते हैं, दो में कितना है, दो में 2 वोल्ट, एक में 2.2, तीन चार में तो नहीं रहेगा, नहीं है, नहीं रहेगा मतलब रहेगा पर उसका कोई जरूरत नहीं है। 5 नंबर 2 वोल्ट, 6 नंबर 3.6, 7 2 वोल्ट, 8 नंबर 4.7, 9 नंबर ये देखिए कम आ रहा है, ये है रहा है 0.8, 10 नंबर नहीं है, नहीं है मतलब 11 नंबर से निकल भी रहा होगा, बटन दो, 11 नंबर से निकल नहीं रहा, 11 नंबर से निकल नहीं रहा, 12 नंबर निगेटिव होगा, 13 नंबर सप्लाई होगा, 14 नंबर निकल रहा है जो नहीं निकल रहा है, 15 नंबर सप्लाई और 16 नंबर 5 वोल्ट। तो कहने का मतलब दिक्कत क्या है, अभी आउट नहीं निकल रहा है जबकि निकलने के कंडीशन में है, बिना बैटरी लगाए ये निकलने को तैयार है। मतलब हम बैटरी नहीं भी लगाएंगे ना तब भी ये आउटपुट निकलना चाहिए, क्योंकि आईसी के हर एक तरह से जो सप्लाई मिलनी चाहिए ऑन करने के लिए वो पूरी तरह से मिल चुकी है। अब वो जो आगे ऑन करके आईसी को दे मॉस्फेट को देगा, ये आउट नहीं हो रहा तो मॉस्फेट चालू नहीं हो रहा। वोल्टेज है क्या, देखिए तार निकल, वोल्टेज नहीं है, है ना। तो वोल्टेज नहीं है मतलब आउटपुट नहीं निकल रहा है, मॉस्फेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम मॉस्फेट चेक करें या 35-25 IC से पल्स नहीं निकल रहा, तो 35-25 IC पे चलेंगे पहले। लेकिन एक अंदाजा होना चाहिए कि हो सकता है कि 25-25 से निकल रहा हो लेकिन इसमें दिख नहीं रहा हूं, तो उसके लिए मैं एक LED लगाकर पल्स चेक कर लेते हैं कि सच में निकल रहा है कि नहीं। LED दो, ये देखिए IC में मैं जो चीज चेक कर रहा था वहां से दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर से आउटपुट हो रहा है, ये देखिए ड्राइवर से भी आउटपुट हो रहा है। ये देखो मॉस्फेट पे भी बत्ती जल रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आईसी जो 35-25 है वो पल्स दे रहा है, मतलब मॉस्फेट को चालू करने के लिए दे रहा है, फिर भी ट्रांसफार्मर ऑन नहीं हो रहा। तो इससे ये भी पता चलेगा कि हो सकता है रिले के पास वोल्टेज होगा। अभी रिले या ये ट्रांसफार्मर का जो निकला हुआ वोल्टेज है उससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा वो देखते हैं।
ये निगेटिव लगा दिया। अब इंडक्टर कॉइल किधर है, ये इंडक्टर कॉइल के पीछे देखिए 63 वोल्ट आ रहा है और यहां से आउट होता है, इंडक्टर के दूसरे तरफ भी जा रहा है, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है? देखिए थोड़ा इसको पकड़ कर, पकड़ कर रिले, मतलब ये जो वोल्टेज आउट होगा ये रिले तक गया हुआ है। रिले तक है, रिले से आउट नहीं हो रहा, और रिले से आउट होने के बाद बैटरी में तार जाएगी, बैटरी की तार ये है। तो रिले को ऑन करने के लिए रिले का पहले इसके पिन के बारे में जानना पड़ेगा है? मैं इसमें जो तार लगा रहा हूँ ना, ये कभी पकड़ रहा है कभी छोड़ रहा है, तो मैं इसे परमानेंट के लिए इसे काट दूंगा। और अगर ये इससे प्रॉब्लम है, अगर इससे नहीं है तो दोबारा जोड़ दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे दूसरा जैक लगा दूंगा। ये छोटा बड़ा करने का कारण ये है कि यहाँ पे शॉर्टिंग ना हो। अब ये मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, लाल तो प्लस ही होगा ना, कई बार उल्टा रहता है। नहीं नहीं सही है, वो सही है, ये सीधी होगा। ये देखो चालू करो, चालू करो इधर से वायर लो स्टेज में से डाल ना, अब डायरेक्ट ये देखिए अभी बत्ती चल रही है, ये देखिए फैन चल गया है ना। तो अब जो है ये आउटपुट में वोल्टेज आने लग गया है, ये देखो 200 पे लगाया हूँ, ये देखिए 60 वोल्ट की बैटरी है 65 और 65 वोल्ट आउट हो रहा है। मतलब अगर बैटरी चेक करेंगे तो 60 वोल्ट की है, और ये चेक करेंगे तो इसमें जो 63 निकल रहा था अब ये चार्जिंग लगने के बाद 65 चल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चार्जर ओके है, सिर्फ सॉकेट खराब था। इसमें सॉकेट खराब होने के कारण क्या, वो लूज था, इस कारण से वो जो जिनके चार्जर है वो समझ में नहीं पाया, या फिर वो सोचे अंदर से खराब है। अब ये क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें बिना बैटरी के अंदर के सारे सर्किट चालू हो जाता है, सिर्फ रिले ऑन नहीं होगा। जो इसका रिले है वो रिले जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे ऑन नहीं होगा। लेकिन 35-25 ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी मॉस्फेट, ये सभी चालू हो जाता है, ठीक है, एसी लगाते ही। ये तो कन्फर्म आप मान के चलिएगा कि मुझे बिना बैटरी लगाते ही आउटपुट रिले पे आ जाएगा, अगर कभी ठीक करते तो ऐसे चेक करते, ठीक है। और मेरे पास अगर सीखने के लिए आना चाहते हैं तो आप आइए, 100% सीखने की गारंटी है। लिथियम चार्जर हो या नॉर्मल चार्जर हो, ऑटोमेटिक रोटरी वाला या एक्जूम यूटीएल, कुछ किसी भी तरह का चार्जर हो, आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं, 100% सीखने की गारंटी है। या फिर एलईडी टीवी, इन्वर्टर, वेल्डिंग मशीन, मोबाइल, ये सारे चीज सिखाते हैं, जो भी सीखना आप सीख सकते हैं। इनके कोई कंपोनेंट्स लेना है तो खरीद सकते हैं, सभी कंपोनेंट्स हमारे यहाँ बिकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।